सामने दरगाह है माशाल्लाह से और ये मस्जिद है। चलिए आपको भी हम ज़ियारत कराते हैं। तो फाइनली भाई रेडी हो गया है और आज हम निकल रहे हैं। आज सो गए तो ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें करनी थी। आज हम अपना ये पहन रहे हैं येलो कुर्ता। भाई चलते हैं, नहर से मिलते हैं। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलाम वालेकुम। और खैरियत से? तो भाई हम और आपका नाहिद, तो शारिक भाई और अभी हुसैन आ रहे हैं, तो हम सब मिलके जा रहे हैं आपका। मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह, जो कि है आपका पास में, ये बहुत दूर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। ना तेरा खुदा कोई और है ना मेरा। तो भाई आ गए मेट्रो स्टेशन और यहाँ से अभी हम लोग निकलेंगे, लेंगे मेट्रो अपनी। तो भाई मेट्रो से हमारा जाना कैंसिल हो गया था किसी रीजन की वजह से, क्योंकि हम लोग उल्टा जा रहे हैं। हमने बुक कर लिया अपनी ऑटो, तो सारे लोग बैठ गए, हम भी बैठ रहे हैं। ना मेरा खुदा कोई और है। भाई बज चुका है 7 और हम आ चुके हैं आपका निज़ामुद्दीन दरगाह पे। आज हम आए हैं दिल्ली के मुकद्दस मुकाम हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे, जहाँ पर सुबह से शाम तक आपके मुरीद और आपके चाहने वाले सैकड़ों की तादाद में आते हैं और आपकी ज़ियारत करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि आपका पूरा नाम हज़रत शेख ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया है। आपके नाना और आपके दादा बुखारा से हिजरत करके उस वक्त के लाहौर के बाद आप हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश ज़िला बदायूं आए। आपकी पैदाइश 19 अक्टूबर 1238 में हुई। आपके वालिद साहब का नाम सैयद अब्दुल्ला बिन अहमद अल हुसैनी था और आपकी वालदा का नाम बीबी जुलेहा। आप 5 बरस के थे जब आपके वालिद का साया आपके सर से उड़ गया। जब आप 20 साल के हुए तो आपने पाक ज़मीन का रुख किया और हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से आपने 1 साल तक रूहानी तालीम ली और बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने आपको अपना खलीफा मुकर्रर किया और उनके हुक्म से आप दिल्ली के गयासपुर मोहल्ले में तशरीफ़ लाए और अपने आखिरी वक्त तक वहीं रहे, जो आज आपके नाम से जाना जाता है, निज़ामुद्दीन ईस्ट, निज़ामुद्दीन वेस्ट, निज़ामुद्दीन दरगाह, निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। और आपकी सैकड़ों करामात है, जिसमें से एक करामात ये है कि आपने अपने बावली के पानी से दियों को रोशन कर दिया था। तो आइए हम ज़ियारत करते हैं और आपको भी कराते हैं। ज़ियारत भी कर ली है माशाल्लाह से। चलिए आपको भी हम ज़ियारत कराते हैं। और मतलब इतना खूबसूरत, इतना रूहानी माहौल है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। आप यहाँ पे आओगे तो बहुत सुकून मिलेगा और इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि मैं आता रहूँ। हालांकि आज तो मैं 1 महीने बाद आया हूँ आपका, जब से मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ, लेकिन अभी इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आता रहूँ। मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आइडिया हो गया है। सामने दरगाह है माशाल्लाह से और ये मस्जिद है और अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद है। तो अभी हम लोगों ने मगरिब की नमाज़ भी इसी मस्जिद में अदा की है और अभी यहाँ कवाली हो रही थी, जो इशा बाद फिर हो जाएंगे शुरू। अगर हम रुकते हैं तो ज़रूर हम आपको दिखाएंगे। और ये सारे ज़ायरीन आ रहे हैं आपके, एंड यहाँ पे हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ पे भी यहाँ पे ज़ियारत करी है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ से। तो चलिए आगे चलते हैं। ये मस्जिद है और ये आपका गुंबद माशा। चलिए गाइस आपको अंदर ले चलते हैं। और ये जो आपका एरिया है, इसे अहाता भी बोल सकते हैं, यहाँ पे आपकी कवालियाँ भी हो रही थी का बैक साइड है और यहाँ पे सारे आपका ज़ायरीन बैठा पा रहे हैं, तो आप वज़ू भी यहाँ पे बना सकते हैं। और यहाँ पे पानी पिलाने का भी इंतज़ाम है, तो अगर आपको प्यास लगे तो आप पानी भी पी सकते हैं, तो हम भी पानी पीते हैं। और अभी चलते हैं, हुसैन भाई लोग निकल गए हैं आपका उधर मरकज़ वाली मस्जिद में, तो उनको देखते हैं कि वो कहाँ निकल गए हैं। भाई अगर आप आते हैं तो ये आपके अंदर की मार्केट है, जहाँ पे आपको फाता के लिए और चादर और किताब मिल जाएंगी। यहाँ पे बुला रहे हैं, सब बुला रहे हैं, फुसके हमें लगा हमें बुला रहे हैं, तो आपको हम ये अंदर की जो मार्केट है वो दिखा रहे हैं। और ये बच्चा हमारे साथ साथ चल रहे हैं। भाई चलते हैं यहाँ पे आपका, कितने का भाई ये? 90। जितना ये देखेंगे ना पूरी आपकी मार्केट है। तो बस भाई चलिए इशा का वक्त हो गया है, हुसैन भाई और आपका शारिक भाई चले गए हैं मरकज़ वाली मस्जिद में, वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे और हम जा रहे हैं कि अंदर हम इशा की नमाज़ अदा कर लेते हैं। तो टाइम हो गया है, अजान हो चुकी है और अब चलते हैं नमाज पढ़ने और ज़ियारत कर लीजिए सब लोग यहाँ से। ये है आपका मस्जिद और मस्जिद का गेट माशाल्लाह। भाई हमारी ज़ियारत हो गई, अब निकलते हैं और नाहिद है साथ में। सो बहुत बहुत शुक्रिया नाहिद भाई, हमें आप लेके आए, और क्योंकि मैं मतलब फ़र्स्ट टाइम आया हूँ और इंशाल्लाह आप आता रहूँगा। तो फर्स्ट टाइम क्या होता है ना कि आपको बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो नाहिद भाई ने हमारे बहुत साथ दिया, थैंक यू। एंड अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, बाहर समोसे बहुत अच्छे दिख रहे थे, इंशाल्लाह वो खाएंगे। आप दरगाह से बाहर निकलेंगे तो ये आपकी बुक की शॉप है, क्या नाम है शॉप का? कुतुब खाना महबूबी। तो कुतुब खाना महबूबी साहब की शॉप है और
आपको ये भी चाहिए, आपके बुखारी है, मरने के बाद है, तो तमाम चीज़ें दिनियाती सारी बुक्स हैं और घर पे कुछ डेकोर की भी चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह आइए और यहाँ से आप ले सकते हैं। अब अम्मी होती यहाँ पे तो ज़रूर लेते। चलो भाई फाइनली अब यहाँ से निकलते हैं। और जूते मतलब एक बार बंधाने का आपका 10 रुपये, तो हमने 2 बार बंधाया ना इसलिए हमको 20 रुपये देने पड़े। तो ये भी एक है क्योंकि हुसैन भाई लोग निकल गए थे, उनको बहुत जल्दी थी, वो रुक नहीं पा रहे थे। यहाँ पे आप आते तो आपको होटल भी मिल जाएंगे। तो भाई बर्तन जैसे अपने देवा शरीफ में मिलते ना, वैसे ही यहाँ पे भी शॉप्स लगी हुई हैं, लेकिन देवा शरीफ में थोड़ी सी ज़्यादा है, यहाँ थोड़ी कम है। ये आपका दिल्ली का सबसे बड़ा मरकज़ कोरोना टाइम में काफ़ी फेमस हो गया था, ये वो बिल्डिंग है आपकी, काफ़ी लंबी बिल्डिंग है मशहूर से। भाई ये आपका गर्म गर्म ताज़ा मशहूर, यार एक टोपी ले ले बढ़िया सी हम जो है। तो भाई हम सोच रहे हैं कि ये टोपी ले ले ब्लैक वाली, तो ये दरअसल यहाँ पे टोपी है नहीं, तो इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं थोड़ी और हल्की से नहीं होगी बहुत भैया, इससे हल्की से 20 नहीं होगी 20, ये थोड़ी बहुत ज़्यादा टाइट, बहुत ज़्यादा लंबा लगाते हैं तो सर में दर्द होने लगता है मेरे, समझ में नहीं आई टोपी, मतलब इतनी ज़्यादा टाइट है ना कि एकदम फंस जा रही है निकालने में, एक वैसे 4 बाल बचे वो भी चले जाए। ये पूरी आपकी शॉप है, ये सामने शॉप्स हैं। तो भाई हुसैन भाई लोग आगे चले गए हैं, एंड ये पूरी शॉप से कभी आएंगे तो और कभी हम शॉपिंग करेंगे। चप्पल ले रही है ना, तेरा खुदा कोई और है ना मेरा खुदा। भाई दरगाह से हम आ गए आपका 40 फुटा शाहीन बाग, यहाँ पे हम करेंगे अपना डिनर, देखते हैं कि यहाँ पे खाते क्या हैं। ये दोनों भाई एकदम आगे भाग रहे हैं। तो नाहिद भाई क्या आप डिनर में खाएंगे, क्या किया जाए? जावेद की फेमस नहारी, जावेद की फेमस नहारी और बेहतरीन, देखिए खाना पीना जरूर खाइए। ये आपकी जावेद की बहुत ज्यादा फेमस आपका शॉप जो है आपका 40 फुटा शाहीन बाग में, ऊपर चलते हैं। भाई इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, लग रहा है फ्री में बट रहा है। तो मैंने और नाहिद ने 10 मिनट वेट किए तब हमको मिली है, और यहाँ सबको लगी है भूख। हुसैन भाई एंड शारिक भाई, जब भी अगर आप आए ना जावेद में या फिर ऐसी जगह, तो आप अपने पास आधा घंटा एक्स्ट्रा लेके आए, क्योंकि यहाँ खाना थोड़ा सा लेट मिलता है और टुंडे की तरह प्याज पहले नहीं मिलता। आपको नंदी निहारी और वो है नॉर्मल निहारी, ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, लेकिन हम जो ना आपको वो खाएंगे। भाई खाना खा लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। सुबह हम लोग ने डिनर कर लिया है, जावेद की निहारी, और निहारी थोड़ी सी आपकी हैवी होती है, इसलिए हम आ गए आपका नींबू पानी पीने। नाहिद मी सैन भाई और शादिक भाई तो बस नींबू पानी पी के फिर सीधे निकलेंगे अपने फ्लैट में। और यहाँ पे ज़बरदस्त भाई बना रहे थे आपका नींबू पानी, ग्लास देख के एकदम बिल्कुल दिल बाग बाग हो गया, हरियाणा वाली एकदम फीलिंग आ गई। आगे हमारे नींबू पानी, तो ये थैंक यू, कैसा है? बढ़िया है, हम भी पी के दिखाते हैं। मतलब आफ्टर निहारी ये बहुत ज़रूरी है, और जिनकी मशीन थोड़ी कमज़ोर है उनको बहुत ज़रूरी है, हालांकि हमारी और हुसैन भाई की मजबूत है, तो फिर भी लेकिन हमने कहा चलो सब लोग पी रहे हैं तभी पीते हैं, और वैसे भी ट्राई करना चाहिए। हमारे एक सब्सक्राइबर मिल गए हैं ताहा, बढ़िया चलो बहुत बढ़िया। ये था हमारा धमाकेदार ब्लॉग, आए ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक लेकर बैठे के शबक है, अल्लाह हाफिज़।